hello students welcome to my channel today i shall continue with tempest written by william shakespeare now i shall discuss some of the important question answer of act 1 scene 2 question number 1 character of ferdinand यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ फोर्डिनन के बारे में आपको बताना है कि फोर्डिनन के कैरेक्टर कैसे थे फोर्डिलन इज अ प्लीजेंट सिंपल हार्टेड वेल ब्रेड एंड वेल मैनर्ड यंग मैन फोर्डिनन बहुत ही प्लीजेंट बहुत ही सिंपल हार्टेड है मतलब बहुत जल्दी कोई भी उनको देख के खुश हो जाता है बहुत ही सिंपल हार्टेड है वेल well ब्रेड है यानी कि उनकी जो उनको जो परवरिश की गई है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है एंड वेल मैनर्ड भी हैं उनके अंदर मैनर्स भी बहुत ज्यादा है डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा है बींग द सन ऑफ अ किंग ही हैज़ ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंस तो क्योंकि आपको तो पता है वो किंग ऑफ नेपल्स के बेटे हैं एलोजो के तो उनकी परवरिश भी वैसे ही की गई है और उन्हें वैसे ही बड़ा किया गया एक प्रिंस की तरह वेन ही सीज मेरेंडा ही फॉल्स इन लव लवर्ड एट फर्स्ट साइड जैसे ही वो मेरेंडा को देखते हैं आपको तो पता ही है उन्हें एक ही नजर में उससे प्यार हो जाता है ही कंसिडर्स मेरेंडा अ गॉडेस यानी कि वो उसे एक भगवान का रूप की तरह समझते हैं ही इज अ ट्रू सिंसियर लवर वो बहुत ही ट्रू सच्चे और एक सिंसियर एक काफ़ी ईमानदार लवर है फॉर द सेक ऑफ इज लव फॉर मेरेंडा ही इज़ विलिंग टू डू अ डिसगस्टिंग जॉब ऑफ कैरिंग लॉग्स ऑफ वुड और वो सिर्फ मेरेंडा के प्यार के खातिर वो लॉग्स ऑफ वुड को भी यानी कि वो जो लकड़ियाँ जो होती हैं उसे भी उठाने के लिए वो अग्री हो गए थे मिरांडा के नॉट बेर टू सी हिम डूइंग दिस हार्ड जॉब और मिरांडा ये देख के बर्दाश्त भी नहीं कर पाती हैं शी ऑफर्स टू शेयर इज हार्ड लेबर बट फॉर डिन रिफ्यूज टू टेक हर हेल्प वो उन्हें कहती हैं कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं पर वो इससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो उसके हेल्प के लिए भी वो मना कर देते हैं क्वेश्चन नंबर टू कैरेक्टर ऑफ कैलेबन कैलेबन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टर इन द प्ले वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कोई भी देखना पसंद नहीं करता प्रोस्पैरोम ऑन द आइलैंड गैपलिंग लाइक मोस्ट ब्रूटिस्ट नॉट नोइंग उन्हें जब वो आइलैंड में जब वो उन्हें देखते हैं कैलेबन को प्रॉस्पेरो तो वो उस हालत में आते हैं जिससे उसको तो अपने मीनिंग अपने अपने वजूद के बारे में भी उसे पता नहीं होता है ही ट्रीटेड हेम विथ ह्यूमन केयर वो ह्यूमन केयर यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसे उन्हें जैसे ह्यूमन को केयर किया जाता है इंसान को वैसे ही केयर कर उसका किए टू पेंस टू टेम हेम उन्हें बहुत ही तकलीफ़ उठाए उन्हें तरीका सिखाने के लिए गेव हिम द एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज उन्हें ज्ञान दिए एंड टॉट हिम टू स्पीक यहां तक कि उन्हें बोलना तक सिखाए बट हिज ह्यूमैनिटी वॉज थ्रोन अवे अपॉन हिम एजुकेशन डिड नॉट सूट हिज नेचर एजुकेशन जो है उनके नेचर को सूट नहीं किया क्योंकि है तो वो एक विच के बेटे चुड़ैल के बेटे ही यूज हिज स्पीच ओनली टू कर्स प्रोस्पेरो वो अपनी स्पीच को सिर्फ यूज करते थे प्रोस्पेरो को कर्स करने के लिए ही रिमेड इन सेंसेबल टू काइंडनेस एंड कोल्ड ओनली बी रेस्ट्रेन बाई फियर एंड चाइसमैन वो उन्हें, उन्हें काइंडनेस उनके लिए रहम और वो सबसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिर्फ उन्हें डर का फ़र्क़ पड़ता है सिर्फ डर से Why does Caliban plot against Prospero? Caliban feels that he has been wronged by Prospero. उन्हें लगता था कि Prospero ने उनके साथ गलत किया He is grieved because Prospero, the powerful magician, has usurped his island by his magical power. उन्हें लगता है कि उनके जो island है वो Prospero ने उसे छीन लिया है तो इसीलिए वो उसे curse करते रहते थे Character of Miranda ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एक दो साल में रिपीट होती है ये क्वेश्चन तो प्लीज इसे भी ध्यान से आप याद कर लीजिएगा मिरांडा द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो इज द मोस्ट चार्मिंग कैरेक्टर इन द टेम्पेस वो बहुत ही चार्मिंग कैरेक्टर है दो हर कैरेक्टर इज नॉट सो मच ऑफ ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस पर ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उनका इतना रोल नहीं है मिरांडा इज ब्यूटिफुल मॉडेस्ट एंड टेंडर वो काफ़ी खूबसूरत है मॉडस्ट भी है और काफ़ी समझदार है शी इज़ एन अनसोफिस्टिकेटेड एंड इनोसेंट यंग मेडन और बहुत ही काफ़ी मासूम है शी इज़ सिंपल एंड कम्पेशनट वमेन उनके अंदर कम्पेशन भी है शी हैज़ अ स्वीट लविंग नेचर वो काफ़ी बहुत ही लविंग ने, नेचर से भी उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और काफ़ी स्वीट है वो शी इज डीपली मूवड द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द पैसेंजर्स ऑन द शिप दैट इज फेसिंग द फ्यूरी ऑफ द स्टॉर्म और उन्हें उस चीज से बहुत तकलीफ होती है कि पैसेंजर्स लोग जितनी तकलीफ में रहते हैं जब उनके शिप डूबता है उसे भी देख के उन्हें काफ़ी बुरा लगता है शी so sympathetic सो the passengers द पैसेंजर्स दैट शी आ फादर प्रोस्पेरो द स्टॉम और उन्हें इतनी ज़्यादा उन पर रहम आ जाती है कि वो अपने फादर से प्लीट यानी कि भीख मांगने लगती हैं कि वो अपने उनके अपने फादर से कि वो इस टॉम को रोक दें शी सो वुमेन इन द वर्ल्ड बिसाइड्स सेल्फ क्योंकि जब आपको पता है जब वो फोर्डन को देखती है वो इतनी ज्यादा वेंड हो जाती है इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो भूल भी जाती हैं कि सिर्फ उन्हीं की जैसे सिर्फ लोग नहीं है दुनिया में दुनिया में और भी खूबसूरत लोग हैं पर वो इस बात को इसलिए नहीं समझ पाती क्योंकि अब क्योंकि वो इतनी इनोसेंट इतनी मासूम है क्योंकि पूरी दुनिया में उसने सिर्फ अपने फादर को ही और अपने आप को देखा है मरेंडा लव्स डे सिंसियरली एंड अफेक्शनेटली बहुत ज्यादा प्यार है फॉर्ड से मरेंडाज लव फॉर फोन सो इंटेंस दैट शी कैन नॉट बेट टू सी हिम पायलिंग लॉग्स ऑफ वुड अंडर अंड कमांड और वो इस तकलीफ में देख भी नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं कि वो जो है इतनी सारी लकड़ियां वो उठा रहे हैं शी ऑफर्स टू शेयर इज हार्ड लेबर और वो कहती है कि मैं आपका ये इस काम में मदद करना चाहती हूँ शी इज़ हम्बल बहुत ही हम्बल है वो फ्रैंक है स्पॉन्टेनियस है इन एक्सप्रेसिंग हर डीप लव फॉर फर्टन और वो जरा भी नहीं घबराती हैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए इट इज़ नोट दैट हर लव इज़ नॉट डायरेक्टेड ओनली टूवर्ड्स फर्डन एंड प्रोस्पेरो बट टूवर्ड्स नियर हाँ वो सिर्फ फर्डना और प्रोस्पेरो से ही प्यार नहीं करती है वो जो भी उनके पास आता है वो उनसे भी प्यार करती है यहां तक कि वो कैलिबन तक से भी प्यार नहीं बोल सकते पर उसको भी वो समझाती है हर चीज उसको सिखाती है शी इज nature's dear child चाइल्ड शी इज अ पोर्ट्रेट ऑफ प्योर एंड अनडिस्टर्ब्ड ब्यूटी वो एक वाकई वो एक अनडिस्टर्ब्ड ब्यूटी यानी कि उनकी खूबसूरती का कोई मिसाल ही नहीं है रोल ऑफ एरियल एरियल होल्ड अमंग सुपर नेचुरल कैरेक्टर ये काफी हाई प्लेस है उनका क्योंकि सारा हेल्प तो एरियल ही करते हैं He is primarily a spirit of air. Actually, में तो ये माना जाता है कि वो स्पिरिट ऑफ एयर है बट इस बिल वाइल वर्किंग इन सी एंड फायर वो सी और फायर में भी अपना जादू चला सकते हैं

और सबसे बेस्ट क्वालिटी की उनके अंदर रहम भी है एक ह्यूमन क्वालिटी उनके अंदर है वी कैन नोटिस द क्वालिटीज ऑफ एयर एंड फायर इन ही इज इनविजिबल बट लाइक द लाइटनिंग कैन अज्यूम शेप्स एज ही एक्ट्स वो इनविजिबल है बट एक लाइटनिंग जैसा कि आपको पता है कि एक्ट वन सीन वन में वो जब परेशान करते हैं सबको तो वो एक लाइटनिंग का शक्ल ले लेते हैं वैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ही इज अ ग्रे ही कैन पेनीट्रेट एवरीवेयर वो कहीं भी जा सकते हैं कहीं के अंदर भी जा सकते हैं वो be as free as mountain winds. और वो एक बहुत ही ज्यादा फ्रीडम उन्हें चाहिए और उन्हें ऐसा ही फ्री होना जैसे कि माउंटेन विंस जैसे फ्री होती है वो लोग कहीं भी जा सकता है हर कहीं जाना है Discuss the tempest as a dramatic romance. ये ड्रामेटिक रोमांस कैसे हैं टेम्पेस वो आपको भी डिस्कस करना है यहाँ अ ड्रामेटिक रोमांस हैज़ अ रिमोट सेटिंग ऑफ मिस्ट्री यानी कि एक मिस्ट्री भी है सब चीज़ काफ़ी पता है आपको कि कुछ चीज़ कब क्या होगा किसी को नहीं पता इट इज़ समर्ड लूज इन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स भी है जो पूरे प्ले का वो काफ़ी लूज है इट इज़ नाइट प्योर कॉमेडी नोट प्योर ट्रेजेडी ये मिड समर नाइस ड्रीम की तरह नहीं प्योर कॉमेडी है ना ही प्योर ट्रेजेडी है मैकबेथ की तरह इट मिक्स सैडनेस एंड मौत जॉय एंड सफरिंग फ्रीली ये सब कुछ इसमें मिक्स है द टेम्पेस्ट हैज ऑल दी ओबियस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रोमैटिक रोमांस इनके अंदर सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है टेम्पेस्ट में दो इट हैज अनहैप्पी मोमेंट्स इट एंड ऑन अ हैप्पी नोट बहुत सारी अनहैप्पी मोमेंट्स भी हैं पर ये हैप्पी नोट में खत्म होता है इन द नेचर ऑफ अ प्योर कॉमेडी दी सेटिंग ऑफ द ड्रामेटिक रोमांस इज पेस्टोरल चार्मिंग एंड ब्यूटिफुल पेस्टोर यानी कि रूरल सेटिंग्स में अर्बन में नहीं है इट शुड बी फार अवे फ्रॉम द द सिटी जाहिर से बात है कि सिटी से थोड़ा दूर होना चाहिए दिस इज स्पेश मैजिक सुपर नेचुरल स्पिरिट्स मास एंड म्यूजिक आर कम्बाइंड हारमोनियसली टू प्रजेंट अ रोमांटिक स्पेक्टिकली यानी कि सब चीज़ों को कम्बाइन किया गया ताकि ऑडियंस को देखने में काफ़ी रोमांटिक लगे एंड एटमोसफेयर ऑफ ड्रीम एंड फैंटसी प्रोवेज द रोमांटिक रोमांस और यहाँ पे ड्रीम भी है फैंटसी भी है इन द टेम्पेस्ट द मेन एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस ऑन द अन इनहेबिटेड आइलैंड ये उस आइलैंड में है वे द एटमोसफेयर ऑफ ड्रीम एंड फैंटसी प्रोवेज यहाँ पे ड्रीम और फैंटसी जो है वहाँ पे हो सकती है द सुपर नेचुरल मशीनरी ऑफ द स्पिर इनहान्स द रोमैटिक एटमोसफेयर ऑफ द प्ले सुपर भी है the कैरेक्टर्स इन द प्ले नॉट ओनली एट चाम टू द प्ले बट ऑल्सो फर्दर द एक्शन ऑफ द प्ले यानी कि ये सारे एक्शंस को और ज्यादा और ज्यादा फैला दिए क्योंकि आपको पता है ना कि सब कुछ एरियल के ही इशारों पर होता है एरियल द स्परिट ऑफ द एयर अंडर द कमांड ऑफ प्रोस्पेरो द मजिशियन ओबेज ऑल हिस्स ऑर्डर्स और वो सारे ऑर्डर्स प्रोस्पैरो के फॉलो करते हैं एंड कैरीज आउट हिस्स टास्क सक्सेसफुली और वो उसके सारे टास्क को बहुत ही सही तरीके से पूरा करते हैं थ्रू एरियल प्रोस्पेरो यूज हिज मैजिक पावर टू मैनिपुलेट द इन्फीरियर स्पिरट्स ऑफ फायर वाटर एंड अर्थ और वो सारे जो इन्फीरियर स्पिरिट्स हैं एरियल के अंदर ये भी पावर है कि वो जो इन्फीरियर जो स्पिरिट्स है फायर वाटर और अर्थ के वो उसको भी अपने इशारों पर यूज कर सकते हैं एरियल के थ्रू प्रोस्पेरो ऑल दी स्पिर एनहांस द रोमेंटिकटमोस्फेयर ऑफ द प्ले और ये सब जो स्पिरिट्स है वो और ही प्ले को और ज्यादा रोमांटिक बनाती है दफेयर ऑफ मेरेंडा एंड फर्ट इन एन इंट्रोड्यूस इक रोमांटिक एलिमेंट इन दी प्ले और इसमें रोमांस भी है क्योंकि दोनों का लव अफेयर भी है फर्ट इजन एंड मेरेंडा फॉलो लव विच अदर एट फर्स्ट साइड वो लोग एक दूसरे से पहली नजर में प्यार हो जाता है देट पैशनेटली अटैच टू ईच अदर बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं वरेंडा प्यर्स टू बी अ गॉडेस टू फर्डिनन और मिरांडा को फर्डन फर्डिनन uh, को मिरेंडाइ गॉडेस लगती है फॉर हर लव सेक ही इज़ विलिंग टू डू द डिस्गिंग जॉब ऑफ कैरिंग लॉग्स ऑफ वुड अस सिर्फ उनके प्यार के खातिर वो एक लॉग्स ऑफ वुड को भी उठाने के लिए अग्री हो जाते हैं वरेंडा डज नॉट लाइक दिस शी के नॉट बेयर टू सी हिम डूइंग दिस हार्ड जॉब वो उसने देख नहीं सकती बर्दाश्त नहीं कर सकती शी ऑफर्स टू शेयर इज हार्ड लेबर वो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारा ये लेबर मैं शेयर करूंगी ही एक्ट्स लाइक अ रोमांटिक हीरो इन द प्ले वो एक रोमांटिक मिरांडा इन ऑल हर ऑफर इन हैंड टू इन मैरिज और मेरण्डा यहाँ पे इतनी इनसेंस दिखाई गई हैं कि वो अपना हाथ भी देने में वो तो शादी करने के लिए भी अग्री हो जाती हैं बहुत जल्दी फोर्ड इन से दिस रोमांटिक लव अफेयर मेक्स द प्लेयर रोमांटिक रोमांस इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म और यही जो पार्ट ये जो दोनों की लव स्टोरी भी है ये भी हम लोग को पता चलता है कि ये एक बहुत ही रोमैंटिक रोमांस की ही सही माना जाता है कि ये डोमैटिक रोमांस भी है टेम्पेस्ट वर्ट डज प्रोस्पेरो रिमाइंड ए रियल एंड वाई प्रोस्पेरों क्या याद दिलाते हैं एरियल को प्रोस्पेरो तकलीफ में वो देखे थे और कैसे वो चीखता था तकलीफ में जो कि इतनी ज्यादा उसकी तकलीफ अनबेरेबल थी इट वॉज हिज मैजिकल पावर विच मेड द पाइन ओपन अ पार्ट और वो उनकी ही पावर थी मैजिकल जो पाइन ट्री को दो हिस्सों में काट दिए अपने पावर से एंड रिलीज हिम फ्रॉम इन साइड क्योंकि वो साइकोरेक्स ने उसे बांध के रखा था तो उसे वो निकालते हैं प्रोस्पेरो रिमाइंड ऑल दिस एज एरियल हैज बिकम इम फॉर इज फ्रीडम फ्राम प्रोस्पेरो इसलिए याद दिलाते हैं क्योंकि एरियल जो है वो बहुत ज्यादा बेसब्र हो जाते हैं फ्रीडम के लिए अपना इसीलिए जो है वो इसको इस चीज को याद दिलाते हैं कि तुम भूलो मत कि तुम किस तकलीफ में थे आज तो तुम इस चीज से आजाद हो हु वॉज साइकोरेक्स

वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं एरियल से कि क्योंकि वो एरियल जो है वो मना कर देता है उनके नफ़रत भरे क्योंकि वो गलत काम करने के लिए उन्हें कहती है तो नफ़रत भरे कमांड्स को वो पूरा करने से वो मना कर देता है इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं इन एंग शी शट हिम अप पाइन ट्री और एक पाइन ट्री में उसे बांध देती हैं ही लैंग्वेज दे फोर ट्वेल्व ईयर्स और वो बारह साल तक उसके अंदर वो रहते हैं हाउ डिड एंटोनियो सक्सीड इन हिज ओन डिज़ाइन प्रोस्पैरो वॉज सो मच एब्जॉल्व इन इन हिस् स्टडीज डेट ही लेफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन दैंड ऑफ हिज ब्रदर एंटोनियो प्रोस्पेरो जो कि ड्यूक ऑफ मिलान थे वो अपनी पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे इतने ज़्यादा खो गए थे कि वो अपने सारा स्टेट का जिम्मेदारी काम का वो सब अपने भाई के ऊपर सौंप देते हैं एंड टू बी कनिंग वो काफ़ी ज़्यादा कनिंग होते हैं न्यू होम प्रमोट एंड टू डिज होम टू प्रमोट एंड होम टू डिस्टार्ज उन्हें पता होता है कि मिनिस्टर्स को किस को प्रमोट करना और किससे निकालना है डिस्करेज ही चेंज द लॉयल्टी ऑफ दोस्ट हुई और यहाँ तक कि वो जो लोग प्रोस्पेरों से काफ़ी ज़्यादा ईमानदार थे उसके वो लोग चेंज कर देते हैं ही केम टू फुली कंट्रोल द स्टेट वो आप पूरी तरीके से स्टेट को संभालने के लिए अब आ, अपने अपना रूप अपना अब वो स्टेट को संभालने के लिए पूरी तरीके से सामने आते हैं ही विज्ञान टू बिहेव लाइक द रियल ड्यूक और वही आप राजा की तरह बिहेव करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज लॉयल मैन एंड किंग ऑफ़ द नेपल्स ही वॉज एबल टू आउस प्रिस्पेयर हो फ्रॉम हिज ड्यूगडम और किंग ऑफ नेपल्स की मदद के साथ और लॉयल मैन जो लोग जो लोग अब एंटोनियो से वफादारी कर रहे थे उनके हेल्प के थ्रू वो प्रोस्पेरो को मिलान से निकालने में सक्सेसफुल रहते हैं ऑन वट टर्म्स द किंग ऑफ नेपल्स हेल्प एंटोनियो एंटोनियो का किस टर्म क्या शर्त रखते हैं वो लोग कि तब किंग ऑफ नेपल्स मदद करते हैं एंटोनियो की एंटोनियो सॉट द हेल्प ऑफ एलोन्जो की मदद लेते हैं द किंग ऑफ नेपल्स इन यू सॉपिंग इज ब्रदर्स थ्रोन वो अपने भाई की गद्दी को पाने के लिए वो उसकी मदद लेते हैं इन रिटर्न ही अग्री टू एक्नोलेज हिम एज ए सुपीरियर और इन रिटर्न में यानी कि वो उसको अब अपने से सुपीरियर मानते हैं एंड मेक हिज ड्यूब डम्सनेट टू देश यानी कि अब नेपल्स से मिलान को वो नीचे रख के हर चीज़ करते हैं यानी कि नेपल्स जो कहेगा किंग ऑफ नेपल्स वो वही चीज़ को फॉलो करेंगे ई ऑल्सो प्रोमिस टू पे हिम एनुअल सब्सिडी और वो एक, एक लम सम अमाउंट भी एनुअली हर साल प्रॉमिस करते हैं कि अपने रेवेन्यू से वो हर साल किंग ऑफ नेपल्स को देंगे जिससे कि ये तो देखा जा रहा है कि इससे तो और ख़राबी हो रही है ना मिलान की यहाँ पे वो मिलान के लिए अच्छा नहीं कर रहे वो यहाँ पे मिलान के लिए बुरा कर रहे हैं क्योंकि मिलान का स्टेट का रेवेन्यू दे दे रहे हैं मिलान को हर चीज़ से नेपल से कम कर रहे हैं जबकि प्रोस्पेरो के राज में ऐसा नहीं था इसीलिए वो काफ़ी स्टेट को वो डुबा देते हैं एंटोनियो हाउ डज प्रोस्पेरो थ्रेट इन कैलेबन टू ओबीडियस और प्रोस्पेरो कैसे उसे धमकी धम देते हैं कैलेबन को उसकी उ, उन, उनकी बातें मानने के लिए Prospero प्रोस्पेरोटिल्स कैलबिनट इफ़ ही फॉल्स इफ़ ही फेल्स टू ब्रिंग सम वर्ड एट वंस और डिस ओबे हेम वो कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और वर्ड्स को नहीं लेके आया एट वंस एक ही एक बार में और मेरी बात को नहीं माना in any way he would torture him with severe cramps और उनके बदन में इतनी ज़्यादा वो दर्द दे, दे देंगे वो cramps आ जाएगा and fills his bones with acute pain और उसकी पूरे हड्डी में इतनी दर्द होगी विच विल फोर्स हिम टू रोर लाउडली वो इतना चीखेंगे उस, उस दर्द से वट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ प्रो ऑफ प्रोस्पेरो इन द प्ले द टेम्पेस्ट आपको प्रोस्पेरो के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं प्रोस्पेरोज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले वो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द टेम्पेस्ट ही इज द प्राइम एजेंट ऑफ ऑल द एक्शन इन द प्ले और सारे जो एक्शन हैं उन्हीं के ही इशारों पर होती हैं ही इज इंडोर्ड विद ग्रेट पावर्स मॉरल इंटेलेक्चुअल एंड मैजिकल, उनके पास मॉरल पावर्स भी इंटेलेक्चुअल वो दिमागी भी और मैजिकल पावर्स भी है येट ही इज नॉट वन हु ओवर शेडोज अदर कैरेक्टर्स एज हेमलेट और किंग लियर ऑफ ऑल द्यूमन एट्रीब्यूट और वह ह्यूमन एट्रीब्यूट का एक पूरा मिक्सचर है परफेक्टनेस का प्रोस्पेरोज एक्सट्रीमली वाइज एंड रिसोर्सफुल बिकॉज ही हैज द पावर ऑफ मैजिक क्योंकि वो ज़्यादा उनके पास ज़्यादा हर चीज़ की सुविधा क्योंकि उनके पास मैजिक है वो जादू से कुछ भी कर सकते हैं ही इज अ टैलेंट वेन ही डील्स विद कैलब और इवन विथ हिज फेवरेट स्पिरिट एरियर वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सख्त दिखते हैं जब वो कैलबन और एरियर को ट्रीट करते हैं

रिमार्स आई हैथिंग बट इन केयर ऑफ दाई डियर वन दाई डॉटर वो कुछ नहीं किए सिर्फ अपनी बेटी का हिफाजत किए है उसे पढ़ाए लिखाए हैं व्हील्स इज मैजिक पावर टू ब्रिंक फोर्डिन एंड क्लोज टू हिस्स डॉटर मिरेंडा और वो मिरेंडा के लिए ही फोर्डिन को ले आते हैं फी इज हैदर सक्सेज

कुछ अच्छा करना चाहिए लोगों के लिए ग्रांस लिबर्टी टू एरियल वो एरियल को फ्री कर देते हैं एंड मेक्स ग्रेट फर्स्ट टू सिविलाइज कैबिलियन कैलेबन और वो काफ़ी ज्यादा अपने एफर्ट्स लगाते ताकि वो कैलिबन को तौर तो तरीका समझा गेट ऑल टास्क डन थ्रू हिम और वो एरियल के थ्रू अपना सारा काम करवा लेते हैं दैलबन करम फॉर मेकिंग स्लेव ही आउटरेक द मोडेस्टी ऑफ मिरांडा यहाँ तक कि वो मिरांडा का रेप भी करने की कोशिश करते हैं प्रस्पेरोज ऑल द रीजन्स टू टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमीज बट ही चूजेज द पाथ ऑफिवनेस पर वो उसे फिर भी माफ कर देते हैं वट स्ट्राइक अस मोस्ट इज द फैक्ट दैट ही हैज गेन ओवर हिम सेल्फ अ मास्टरी ऑफ सेल्फ और वह खुद में बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है ही इज नॉट एरिगेंट एटॉल डिस्पाइट हिस्स ग्रेट पावर्स उसमें उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं है ही एज कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट डेट लाइक एवरीबडी एंड एवरी थिंग इज ही विल बी बैनिश वन डे और वो भी सबकी तरह सब चीज़ की तरह वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे आई होप मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में और ये मेरी एडवाइस भी आपको कि आप इन्हें मेमोराइज कर लें याद कर लें ताकि एग्ज़ाम्स में आके आपके अच्छे मार्क्स आ सकें So, students, I shall continue with Act 2, Scene 1 on my next video. Till then, stay tuned. Thanks for watching. Thank you.